परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम आकर मनन करने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 9वां अध्याय से कुछ बातें मनन करने के लिए चालू किया। उसका तीसरा पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 14 पद से लेकर 7वीं पद तक उधर हम देख सकता है कि फिर यहोवा इसराइली लोगों के बीच में और मिस्रीम के लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक फ़र्क की बात कर रहा है। वो भी इसराइली लोगों के एक भी जानवर के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आ रहा है, परंतु मिस्रीम की हरेक जीव जंतु मर गया है। बहुत बड़ा विपत्ति उसी के ऊपर आ गया है। परमेश्वर कितना बड़ा है हम देख सकता है कि गॉड में प्रोटेस्ट द राइचियसनेस फ्रॉम द फेस्टिलेंस एंड डिसीजेस। परमेश्वर अपना धर्मी लोगों को आने वाला महामारी से और बीमारियों से बचने वाला है। परमेश्वर का वो संरक्षण हम देख सकता है हैं यहूदी लोगों के ऊपर कोई भी महामारी ना आए, उसी हिसाब से परमेश्वर उनको मदद कर रहा है। उसी के ऊपर कोई भी बाधा, पहले का 4 बाधा हमने देखा है, कोई भी विपत्ति आम इनके ऊपर नहीं आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार पढ़े 14 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा इसराइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं के ऐसा अंदर करेगा कि जो इसराइलियों के है उनमें से कोई भी ना मरेगा। प्रभु उनको बोल रहा है, फरो को बता रहा है, देख यहोवा ऐसी एक अंदर तुम्हारा और हमारा परमेश्वर के लोगों के बीच में करेगा। तुम्हारा तो सब मर जाएगा, परंतु मेरा इसराइली लोगों का एक भी जानवर नहीं मरेगा। 5वें पद में हम देखता है, फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठकराया है कि मैं ये काम उस देश में कल करूँगा। परमेश्वर ने एक समय ठकराया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का डिक्शनरी में क्या क्या होने वाला है, वो हरेक चीज़ों को पहले से टकरा के गया हुआ है, रखा हुआ है। आखिरी में पृथ्वी के ऊपर आने वाला दंड, विश्वासी लोगों का बचाव, ये सब पहले से टाइम टकरा के गया हुआ है। हमारा परमेश्वर टाइम का बहुत बहुत ध्यान देने वाला है। प्रिय भाइयों, परंतु हम जानते हैं कि ये स्वभाव हमारे जीवन में भी आना चाहिए। हम भी हरेक चीज़ों में समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर का आराधना के लिए जाता है, प्रार्थना मीटिंग के लिए जाता है, कुछ भी हम करता है, वो सब हम समय के हिसाब से टाइम पर जाके करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम देख सकते हैं कि 6वें पद में दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गया है, परंतु इसराइलियों को एक भी पशु ना मरा है। देख परमेश्वर ने कैसे बोल रहा है, वो ऐसी की ऐसी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। इधर हम देख सकते हैं कि मिस्रीम की सब पशुओं में मर गया है, परंतु इसराइली लोगों के उधर एक भी पशु नहीं मरा है। परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह कितना कितना बड़ा है, ये बात को हम देख सकता है। बीमारियों से, हरेक चीज़ों से धर्मी लोगों को बचाने वाला परमेश्वर। हम भी परमेश्वर का संतान है, हमको भी परमेश्वर ऐसी संभालेगा, ये बात को हम इधर देख सकता है। और 7वें पद में, और फिरौन ने लोगों को भेजा पर इसराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था, तो भी फिरौन का मन सुन गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। देख
उसके बाद भी, ये देखने के बाद भी वो अपना हृदय को कठोर बना दिया है, ये लोगों को उधर से जाने नहीं दे रहा है, कठोर हृदय को कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हम बार बार हम फरोख के जीवन में हम देख सकता है, वो कठोर की अनुभव में जा रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय इसका 45 पद में हम देख सकता है, परमेश्वर ने बरसात को अधर्मी लोगों के ऊपर भी देता है। और आमोस की किताब 4 अध्याय उसका 7वें पद में हम देख सकता है कि अभी अन्न कटने का टाइम अभी 3 महीना बचा है, इसलिए मैम क्या करता है, बरसात को पकड़ के रखता है। और उसके उधर बोलता है कई नगरों में मैं बरसात भेजता है, परंतु कई नगरों में मैंने बरसात नहीं भेजता है, एक ही सिटी में एक ही जगहों में कई भाग में मैं बरसात भेजने वाला है, कई भाग में बरसात नहीं भेजने वाला है। परमेश्वर का शक्ति हम इधर देख सकता है। परमेश्वर ऐसी एक परमेश्वर है, हम परमेश्वर इसराइली लोगों को उनका आत्मिकता में अच्छा से जीने के कारण परमेश्वर का वो प्रोटेक्शन, परमेश्वर का वो संरक्षण उसी के सामने देखता है। ऐसा नहीं है वो अच्छे से जिया इसलिए नहीं, परंतु परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का करुणा है, करुणा के कारण उसको बचा कर रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी आज परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड से इसलिए बचता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा के कारण, हमारे कामों के कारण नहीं है, हमारा धार्मिकता के कारण नहीं है, हमारा पवित्रता के कारण नहीं है, हम परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है उसी बात को हम देख सकता है वो। और हम देख सकता है कि when you walk with him, he can protect you from the diseases। हम परमेश्वर के वजन के हिसाब से परमेश्वर के साथ हम चलता है, जब परमेश्वर क्या है, हमको बचाने वाला परमेश्वर है। हम निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 26 पद में हम देख सकता है कि तुम मेरे पीछे चले, मेरे साथ चले, मेरा बातों को तुम माने, मेरा आज्ञा को तुम माने, मेरा आज्ञा के लिए आपने मेरा कान लगाए, ऐसी जिएगा तो ऐसी बहुत सारा बीमारियों से मैं तुमको बचा के रखूँगा। इजिप्ट लोगों को, मिस्रीम के लोगों के ऊपर आया वो इसी बीमारियों से मैं बचा के रखूँगा। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 15वें पद में भी वही चीज़ हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलता है, जब परमेश्वर ने हमारे ऊपर आने वाला हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्टता को, हर एक महामारी को मिस्रीम के ऊपर आया है, उसी से हमको बचा के रखने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, वो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखते हुए हम परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर का अनुग्रह कहाँ मिलता है उसी रास्ते पे हमको चलना है। हम हमारा 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 परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा के ऊपर भरोसा रखते हुए एक अच्छा मसीह जीवन हम बिताए, उसी के द्वारा परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का विपत्तियाँ, परमेश्वर का बीमारियाँ, उसमें से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा मसीह जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।